Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is 100 braces part 2. जैसे बच्चों हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि किस तरह से जो है कॉन्टेस्ट था जिसमें लड़कियों को जो है गर्ल्स को क्या बनाना था डिजाइनिंग ड्रेसेस तो उसमें कौन जीतता है बच्चों वन द पेट्रॉन्स की वन द कॉन्टेस्ट और किस तरह से जो है उस दिन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती है क्लास में और अब जो हम सेकंड पार्ट में जैसे हमने पढ़ा था कि उसके फादर ने वांडास पेट्रॉन्स्की के जो फादर ने एक लेटर लिखा था कि उनके बच्चे जो है दे विल नॉट कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो कल से जो है वो स्कूल नहीं आएंगे और उन्होंने कहा था कि अब जो है हम एक बिग सिटी में जा रहे हैं और वहां पे इस टाइप के जो नाम है फनी नेम जो उनको लगता था अमेरिकन को लगता था अमेरिका जो क्लासमेट्स थे उसके उनको लगता था कि ये जो है एक फनी नेम है तो अब जो हम जा रहे हैं उस वहां पे जो है कई बच्चों के जो है इसी टाइप के नाम है तो कोई जो है फन करने वाला नहीं है जब पैगी और मैडी को जो पूरी क्लास जो है बहुत ज्यादा टेंस होती है जब वो ये सुनते हैं ये पढ़ते हैं जब उनकी जो टीचर है मिस मैसन जो है लेटर सुनाती है कि दे विल नॉट कम अगेन तो उन जो है पूरी क्लास क्या होती है बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और वो रियलाइज करते हैं कि हाँ कि उन्होंने जो है कि उसके साथ क्या करा है गलत करा दे डिड सम समथिंग रॉन्ग कि उन्होंने क्योंकि फन करते थे तो उन्हें लगा कि इसकी वजह से जो हम बुली करते थे उसका उसका इल इफेक्ट उस पर क्या पड़ा कि दे लेफ्ट द स्कूल राइट तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन तो बच्चों क्लास 10 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट अब इसमें जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है लेटर था वांडा के फादर का लेटर आया था कि उन्होंने कहा था माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर कि मतलब अब जो है वो और उनके ब्रदर जो है जैक जो है वो स्कूल में नहीं आएंगे और इस टाइप के जो है प्लेंटी ऑफ मनी फनी नेम्स इन द बिग सिटी और जिस सिटी में हम जा रहे हैं वहां पे जो है प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी और उसके फादर का नाम था जैन पेट्रॉन्स्की अब पूरी क्लास जो है थोड़ी सी कैसी हो जाती है टेंस हो जाती है साइलेंट हो जाती है पूरी स्टिल एंड क्वाइट सब चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके टीचर को भी लगता है कि अरे कि रूम नंबर 13 में जो है किसी ने जो है किसी का उद्देश्य ये नहीं था उसको इस तरह से जो है बुली करना या फन करना हो सकता है कि ये अननोइंगली जो है हो गया होगा ये फन बना दिया होगा राइट नेक्स्ट जो है किस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फर्स्ट पीरियड था मैडी का जो है मन नहीं लग रहा था ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन कोशिश कर रही थी बट जो है उसके जो कैसा फील कर रही थी वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ द स्टमक और कल जैसे हमने डिस्कस करा था कि दोनों जो है बहुत रियलाइज कर रहे थे पैगी भी और मैडी भी कि हमने जो है और मैडी स्पेशली जो है मैडी को लग रहा था कि जब पैगी जो है उसका फन कर रही थी तो मैं चुप क्यों बैठी थी राइट कि मेरे को जो है उसका पक्ष लेना चाहिए था या मेरे को पैगी को जो है रोकना चाहिए था और इस तरह से जो है दे हैव डिसाइडेड टू गो टू बोगन हाइट्स और उन्होंने कहा कि अब जो है हम किसी तरह से जो है बोगन हाइट्स जाते हैं और उसको जो है बताते हैं कि शी वन द कॉन्टेस्ट द टू गर्ल्स हरीड आउट अब यहां तक हमने कल पढ़ा था अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगन हाइट्स द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ जैसे कल भी बताया था ये वाली लाइन मैंने कि वहां पे थोड़ी सी लाइट जो है रेन हो रही थी चारों तरफ जो है गीला था डैम्प था और उनके अंदर डिस्माल में थोड़ी सी क्या थी उदासी सी थी क्योंकि वांडा जो है स्कूल नहीं आ रही थी Well, at least said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner. अब वो कह रही कि मैंने जो है उसको कभी भी जो है एक विदेशी नहीं बोला था I never did call her. कि मैंने उसे कभी भी जो है बार बार जो है वो रियलाइज कर रही है कि मतलब बताने की कोशिश कर रही है कि भाई मेरी वजह से वो उसने स्कूल नहीं छोड़ा है और मैंने जो है कभी भी उसको या कभी भी मैंने उसे एक फॉरनर विदेशी लड़की या मेक फन ऑफ हर नेम और मैंने कभी भी उसके नाम का जो है फन नहीं किया है मजाक नहीं किया है आई नेवर थॉट सी
the head of science to know we were making fun of. और वो कह रहे कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उसको इतनी अकल है, सेंस है कि हम लोग जो है उसका मजाक बना रहे हैं. I thought she was too dumb. और उसको लगता था कि वो जो है एक क्या है, डम है, कि इसको बोलना आता नहीं है. परंतु उसने फिर भी जो है एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और उसने जो है ये करके दिखाया. मैडी कुड से नथिंग. अब मैडी ने जो है यहाँ पे कुछ नहीं कहा, राइट? तो ग्रफली मैंने हार्शली, कठोरता से, जो पैगी जो है कठोरता से ये जो है लाइन उन्होंने बोली थी कि मैंने कभी उसको विदेशी नहीं बोला था, कभी फॉरनर नहीं बोला था, कभी उसका जो है फन नहीं करा था, राइट? मैडी कुड से नथिंग. ऑल शी होप वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा. अब मैडी ने जो है कुछ नहीं कहा, शी सेड नथिंग, बट शी होप फॉर दैट दे वुड फाइंड वांडा. अब मतलब उसको एक आशा थी कि हम जो है किसी तरह से वांडा को ढूंढते हैं. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, एंड प्लीज नॉट टू मूव. अब जो है उन्होंने यहाँ पे जो है किस तरह से उन्हें मतलब ये चाहती थी कि वो वहां पे उसको ये बोले कि उन्होंने जो है सॉरी कहना चाहती थी. वो मैडी जो है उनको क्या बोलना चाहती थी, सॉरी. इसको वांडा को जो है सॉरी बोलना चाहती थी, राइट? एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे. और उसको बोलना चाहती थी कि अब तुम जो है यहाँ से मत जाओ, एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, सब अच्छे हैं. शी एंड पैगी. और उसने कहा कि अगर, क्योंकि बार बार उसको बुरा लग रहा था कि उसने जो है क्यों नहीं रोका पैगी को जब वो फन कर रही थी. फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. और वो जो है उसके लिए लड़ेंगे अगर कोई वो जो है उसको परेशान. द टू गर्ल्स हरीड ऑन, तेजी से जा रहे थे. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. क्यों? और वो चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले, होता है ना कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि रात हो जाएगी, तो उन्हें भी ये था कि जल्दी से जो है डार्क होने से पहले, अंधेरा होने से पहले जो है वो वापस आ जाए, राइट? आई थिंक दैट्स वेयर द पैट्रॉन्स किस लिव. तो उसने मैडी ने कहा शायद मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे उसने पॉइंटिंग करा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल हाउस, एक घर की तरफ जो है उसने इशारा करके बोला. बिट्स ऑफ ओल्ड ग्रास. और वहां भी जो है किसके थे, ओल्ड ग्रास के जो है भूसा होता है ना जब ड्राई हो जाते हैं, तो ओल्ड ग्रास जो थे वहां पे तिनके थे और स्टक अप थे, जगह जगह जो है गठरी से जो है बने हुए थे, लाइक थिन किटन्स. द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी नॉट क्लीन. और जो घर का जो यार्ड था और वो थोड़ा सा घर जो था कैसा लग रहा था, थोड़ा सा शैबी लग रहा था. जैसे कल भी बताया था मैंने कि उनका कई बार ये होता है ना, व्हाइट वॉश नहीं हो रही है या प्लास्टर उखड़ा है तो वो अच्छा नहीं दिखता है. बट जो घर था वो क्या था, इट वॉज क्लीन, साफ था. इट रिमाइंडेड मैडी. और ये देख के, घर को देख के मैडी ऑफ वांडास वन ड्रेस. इट रिमाइंडेड मैडी. और मैडी को जो है वो देख के क्या, शैबी जो हाउस था वो क्या था, शैबी था बट क्लीन, साफ था. उसको देख के जो है उसको एक जो है वांडा की ड्रेस याद आ गई थी. आपको भी याद आया होगा कि उसकी एक फेडेड ड्रेस थी, ब्लू कलर की कॉटन की ड्रेस थी, जो कि थोड़ी सी क्या हो गई थी, क्योंकि फेड हो गया था, रंग निकल गया था, उसकी वजह से जो है वो कैसी लग रही थी, डर्टी लग रही थी. बट कैसी थी, वो क्लीन थी. तो उन्होंने कंपेयर करा उस घर को और उसकी ब्लू ड्रेस को, राइट? देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. पैगी नॉक फॉर्मली ऑन द डोर. और पैगी ने जो है वहां पे जो है डोर को नॉक करा, खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर. देन दे वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड. फिर वो पीछे की तरफ गए एंड नॉक देयर, स्टिल देयर वॉज नो आंसर. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेटर्स की वर्क गॉन. अब उन्हें लगा कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो है यहाँ से जा चुके हैं. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल. अब जो है वो दोनों की दोनों जो है वापस जो है कहाँ चले गए, अपने घर की तरफ जो है. उन्हें लगा कि जो है गलती अब सुधारने का जो है, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, की मतलब जो उन्होंने गलती करी है उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि पैट्रॉन्स की, वांडा पैट्रॉन्स किस की जो फैमिली है पूरी, दे वर गॉन. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर पाथ. और वो धीरे धीरे जो है नीचे उतरने लगे. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर
back down the hill. Next, well anyway, said Peggy, she has gone now, so what can we do? Besides then, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas. अब यहाँ पे जो है पैगी, देखो बच्चों ध्यान से देखना कि जो पैगी थी वो फिर भी जो है अपने पक्ष को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोलती है कि पैगी ने कहा कि क्या है, ठीक है, anyway, she has gone now, कि अब वो जा चुकी है, so what can we do, कि अब हम जो है क्या कर सकते हैं, right? Besides, इसके अतिरिक्त जो है, when I was asking, अब उसने अपना पॉइंट रखा कि जब मैं उससे पूछ रही थी ऑल हर ड्रेसेस, कि कितनी ड्रेसेस हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस, सारी अलाइक हैं या डिफरेंट है, तो उसको लगा कि तो पैगी ने अपना क्या स्ट्रॉन्ग पक्ष रखा, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडिया, कि जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी तो मे बी शी वॉज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्रॉइंग, कि वो जब मैं पूछ रही थी ड्रेसेस के बारे में तो शायद उसके दिमाग में जो है अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे थे टू डू द ड्रॉइंग्स, शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज. अब यहाँ पे पैगी जो है फिर भी बोल रही है भाई नहीं, मैं तो आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हर, मैंने जो है उस फन नहीं बनाया है उसका, और क्योंकि मैंने उससे पूछा है दैट इज वाई शी वॉज गेटिंग गुड आइडिया, वही कारण है कि उसके पास जो है अच्छे आइडियाज जो है, एंड दैट्स द रीजन वाई शी वन द कॉन्टेस्ट, अदरवाइज वो नहीं जीतती. अगर मैं उससे क्वेश्चन ही पुट करती कि हाउ मेनी ड्रेसेस तुम्हारे पास है और कैसे हैं, डिफरेंट कलर्स की हैं, कैसे डिजाइन की हैं, अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछती तो शी वॉज नॉट गेटिंग गुड आइडियाज फॉर ड्रॉइंग्स, और शायद मे बी जो है वो कंटेस्ट को नहीं जीतती. मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड. अब उसको जो है मैडी को ऐसा कुछ गलत नहीं लगा, और उसने ये जो आइडिया था पैगी का कि अगर मैं पूछती नहीं तो शायद मे बी जो है वो इस तरफ जो है सोचती नहीं, राइट? तो मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ there were anything in it, she would not have to feel so badly. अब उसे लगा मैडी को कि हाँ इसमें कुछ ऐसा गलत तो नहीं है, feel so badly, but that might she could not get to sleep. परंतु वो जो है she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress. और वो रात भर जो है सोई नहीं, और किसके बारे में सोच रही थी, उसकी जो faded blue dress थी, जो क्या हो गई थी, फेड हो चुकी थी, बार बार धोने से हो जाती, होता है ना बच्चों, एक ही ड्रेस थी उसके पास, रोज धोने से उसका रंग जो है खराब हो गया था, फेडेड हो गई थी, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और जो छोटा सा घर था जहाँ वो रहती थी, एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज हंड्रेड ड्रेसेस मेड ओल्ड लाइन. अब ये सारी बातें जो है मैडी को जो है रात को नींद नहीं आ रही थी, सो रही थी, उसी के बारे में सोच रही थी, उसकी फेडेड ड्रेस के बारे में सोच रही थी, उसके लिटिल हाउस के बारे में सोच रही थी, एंड शी ऑल्सो थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज हंड्रेड ड्रेसेस मेड, और जो इतनी सुंदर जो है उसने ड्रेसेस बनाई थी, मेड ऑल अलाइंड अप इन द ग्लास, और सारी की सारी जो थी ग्लास में जो है डेकोरेट करी हुई थी, लगाई हुई थी, लाइट अप थी. एट लास्ट मैडी जो है उसे नींद नहीं आ रही थी और वो जो है बैठ गई. मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट. कई बार होता है रात को नींद नहीं आती है तो वो जो है शी सेट बैठ गई वो और जो है अपना सिर दबाने लगी. एंड रियली थॉट दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. तो उसे लग रहा था कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि जितना आज वो जो है उसके बारे में जो है इतना सोच रही है, ऐसे कोई कभी उसने हार्डेस्ट थिंकिंग नहीं करी थी. एवर हैड एवर डन आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. अब जो है काफी जो है इतना विचार करा, इतनी थिंकिंग करी उसने, और लास्ट में जो है क्या कंक्लूजन में पहुंची, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. एंड व्हाट वाज दैट, लेट्स सी, शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड सी समथिंग अगेन. अब उसने कंक्लूजन क्या लिया कि वो कभी भी किसी को, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि अब जो है वो कभी भी जो है किसी को कुछ नहीं कहेगी और ना ऐसी बातें कहेगी. से नथिंग अगेन इफ शी एवर हर्ड एनी बडी पिकिंग ऑन समवन. पिकिंग ऑन समवन मीन्स टू ट्रीट समवन
जो है बैडली या हार्शली जो है या अनफेयरली जो है किसी के साथ जो है बदतमीजी करना, तो पिकिंग ऑन समवन का मीनिंग क्या है बच्चों? टू ट्रीट समवन अनफेयरली, टू ट्रीट समवन अनफेयरली कि किसी से, तो उसने कहा कि इफ शी एवर हर्ड एनी बडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, कि इसकी वजह से जो है उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और कि वो फनी लुकिंग दिख रही है, या और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, या फनी नेम है या अजीब सा नाम है जो उन्होंने कभी सुना नहीं था, शी वुड स्पीक अप, तो कि वो जरूर जो है उसका पक्ष लेगी और वो बोलेगी। इवन इफ इट मेंट लॉसिंग पेगीज फ्रेंडशिप, और अगर ऐसा करने के लिए, जैसे पहले उसने नहीं करा तो आज वो रियलाइज करी थी, मैडी जो है क्या रियलाइज करी थी कि अगर वो वांडा का जो है उस समय जब वो उसका क्या करती, फन कर रही थी या मिसबिहेव कर रही थी या ट्रीट जो है कर रही थी बैडली उसके साथ, अगर वो जो है उसका पक्ष लेती तो आज शायद वांडा जो है स्कूल छोड़ के नहीं जाती। यही बातें जो है रात को वो उसके बारे में सोच रही थी, वांडा के बारे में, शी वाज थिंकिंग अबाउट वांडाज ड्रेस, वांडाज होम, वांडाज हैंडेड ड्रेसेस, सबके बारे में सोची। एंड फाइनली शी डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा था उसने, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। तो उसने ये जो है एक कंक्लूजन निकाल लिया था कि अब वो जो है किसी से भी जो है, अगर कोई किसी को जो है फनी नेम से या स्ट्रेंज फनी लुकिंग या स्ट्रेंज नेम से चढ़ाएगा, टीज करेगा, तो वो जो है बोलेगी। इवन इसके लिए अगर उसको जो है अपनी फ्रेंडशिप भी छोड़नी पड़ेगी पैगी की, तो वो जो है छोड़ देगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। और वो चाहती है कि अब जो है वो किसी को इसकी वजह से कि वो फनी लुकिंग है या स्ट्रेंज नेम है, इसकी वजह से वो नहीं चाहती कि नेवर शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऑन सैटरडे, अब सैटरडे का सैटरडे था, ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। अब जो है दोनों क्लोज फ्रेंड्स थी, तो मैडी ने पूरा दिन जो है आफ्टरनून जो थी दोपहर जो था किसके साथ बिताया, शी स्पेंड आफ्टरनून विद पैगी, अपनी जो है फ्रेंड के साथ जो है उसने जो है स्पेंड करा। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की। अब दोनों जो है रियलाइज कर रहे थे कि नहीं भाई, उन्होंने जो है गलत करा है वांडा के साथ। पैगी का जो है पॉइंट ऑफ व्यू अलग था और मैडी का जो है सोचने का ढंग जो था अलग था, और दोनों अलग अलग तरीके से सोच रहे थे, बट दोनों रियलाइज कर रहे थे कि उन्होंने उसके साथ जो है गलत किया। राइट, इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन। अब जो दोनों की दोनों थी वो क्या कर रही थी, दे वर राइटिंग अ लेटर। अब वो क्योंकि वो मिली नहीं थी बोगिन साइड में, तो दे हैव डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की। इट वाज जस्ट, मतलब ऐसा नहीं था लेटर किस लिए लिख रहे थे, एक फ्रेंडली लेटर लिखा था उन्होंने, टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन। कंटेस्ट के बारे में बताना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि शी वन द कंटेस्ट। They told her how pretty her drawings were. और वो ये भी बताना चाहते थे कि जो तुमने जो है ड्रॉइंग करी है, जो तुमने हैंड ड्रेसेस बनी है, all are very pretty and beautiful. सारी जो है ड्रेसेस जो है बहुत सुंदर है। And they asked her if she liked where she was living and she liked her new teacher. और वो ये भी पूछना चाहते थे उससे कि इफ शी लाइक वेयर शी वॉज लिविंग, कि जहां तुम रहती हो वो कैसा, वहां तुम्हें कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। इफ शी लाइक हर न्यू टीचर, और तुम्हारी जो नई टीचर है वो तुम्हें कैसी लगती है। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, और ये सब कुछ पूछने का और कहने का मतलब एक सिंपल सा रीजन था कि वो जो है उसको क्या बोलना चाहते थे, सॉरी, बट इट एंडेड अप With their just writing a friendly letter, परंतु वो एक friendly letter लिख रहे थे उसको, letter the kind they would have written to any good friend, जैसे एक जो होता है ना good friend के लिए लिखते हैं, वैसे ही उन्होंने भी एक simply जो है friendly letter जो है उसको लिखा वांडा को। And they signed it with lots of Christmas for love,
और जो है उन्होंने किसके लिए जो है क्रिसमस के लिए जो है उनको दे मेल द लेटर टू बोगेनसाइट और फिर उन्होंने जो है लेटर को कहाँ मेल कर दिया बोगेनसाइट और वहां पे क्या लिखा प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप कि इस एनवलप को जो है आगे फॉरवर्ड किया जाए राइट तो दोनों फ्रेंड्स ने क्या करा उन्होंने लेटर करा मैडी जो है रात भर सोई नहीं थी एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर फेडेड ड्रेस किसके बारे में सोच रही थी फेडेड ड्रेस के बारे में सोच रही थी हाउस के बारे में सोच रही थी वॉज थिंकिंग अबाउट 100 ड्रेसेस जो उसने बनाई थी और देन उसने क्या डिसाइडेड टू एक जो है कंक्लूजन ले लिया था और डिसाइड कर लिया था कि मैडी ने क्या डिसाइड कर लिया था कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड एंड बाय एंड स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन और फाइनली जो है मैडी और पैगी ने क्या करा कि एक लेटर लिखा एक फ्रेंडली लेटर लिखा और उसमें जो है उसको उस पूछा कि जहां पे जो है उसको बताया कि टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड शी हैड वन द कॉन्टेस्ट और जहां पे हो रही थी कैसे लगते एक फ्रेंडली लेटर लिखा और फिर उन्होंने लास्ट में मेल टू मेल करा कहाँ पे मेल द लेटर टू बोगेनसाइट और वहां पे लिखा प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप नेक्स्ट इज वेल एनीवे सेड पेगी डेज पास्ट अब जो है काफी दिन बीत गए थे डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर अब होता है ना कि अगर हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हमें लगता है कि वो उसका जवाब देंगे तो यहाँ पे डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक और लेटर भी जो है वापस नहीं आया ठीक है कोई जवाब भी नहीं आया और वापस भी नहीं आया सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट तो हम होता है अगर हम किसी को लेटर दे रहे हैं अगर वापस आ जाता है तो होता है कि रिसीव नहीं कर अब लेटर वापस भी नहीं आया तो उनको लगा कि वांडा हैड रिसीव्ड इट परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर अब उनको जो है होता है ना कई बार हम सोचने लगते हैं कि अरे भाई उसको बहुत गुस्सा आया होगा और दैट इज व्हाई कि उसने जो है हमको जवाब नहीं दिया शी कुड नॉट ब्लेम हर यू कुड नॉट ब्लेम हर राइट तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर अब कई जो है पहले डेज बीते आफ्टर दैट वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा जो है डिड नॉट आंसर अब उन्हें लग रहा था कि भाई उसको बहुत दुखी हुई है वो और गुस्सा आया है उसको दैट इज व्हाई जो है शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस And Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. अब जो यहाँ पे Peggy है Peggy had begun to forget the whole जो है पूरा इसको जो है भूलना चाहती थी परंतु जो Maddie थी वो क्या करती थी herself to sleep at night making speeches. और वो रात भर क्या करती थी स्पीचेस बनाती थी किसके बारे में वांडा के डिफेंडिंग हर उसको बचाने के लिए कि किस तरह से उसको डिफेंड करेगी फ्रॉम ग्रेट क्राउड भीड़ से जो है कैसे डिफेंड करेगी उसको बचाएगी क्योंकि अब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब किस तरह से जो है वांडा को जो है उसने डिफेंड करना है कि कोई भी बच्चा या कोई भीड़ में उसको कोई भी फन करता है या उसके नाम से करता है तो वो जो है उसको डिफेंड करेगी तो यही सारी इसी टाइप की जो है स्पीचेस जो है उसके दिमाग में जो है वो चलती रहती थी और रात भर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद और वो सोचती थी कि यही स्पीचेस जो चलती थी कि अगर भीड़ लड़कियों की भीड़ है और उसका जो है क्या करी हु वर ट्राइंग टू मेक फन और उसका जो है मजाक कर रही है और वहां से जो है उसको कैसे उसको डिफेंड करना है उसको बचाना है हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट टोन अब वो जो है क्या कर रही थी कि वांडा को कैसे डिफेंड करना है लड़कियों से और अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट एंड बिफोर कि वांडा जो है इससे पहले जो कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन जैसे वो करती थी द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग मैडी वुड ट्राई अब उसने कहा पहले वो जवाब देती कौन वांडा देती इससे पहले ही जो है मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप देन एवरीबॉडी फील वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील और उससे पहले ही कि उसे लड़कियों की भीड़ से बचाती और उसे जो है तंग करने की जो भी कोशिश करती
कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वो जो है मतलब वो चाहती है उत्तर देना, परंतु ये जो है उसी समय जो है उसको क्या कर देती, सबको चुप करा देती, राइट? मतलब एक होता है ना कि अगर कोई टीज कर रहा है और मैं चाह रही हूँ इसको डिफेंड करना, तो वो जो है उन लड़कियों को कैसे बचाती है, उसको लज्जा आती है, मतलब अशेम्ड मीन्स यहाँ पे अशेम्ड द वे शी यूज टू फील, और उसे जो है जिस प्रकार उसे शर्म का अनुभव होता है, अब जो है वो फीलिंग उसके अंदर भी आ रही है कि किस तरह से अगर वो कोई इसको ऐसे करेगा तो मैं उसे डिफेंड करूंगी, क्योंकि देन एवरीबडी वुड फील अशेम द वे शी यूज टू फील। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, ये कौन सा टाइम था, क्रिसमस का टाइम था, राइट? किसका टाइम था, क्रिसमस का टाइम था। अब जैसे उसने पहले भी बताया कि किस तरह से वो अशेम का फील करती है, तो ऐसे सब लोगों को एहसास हो, तो वो वुडी वुड क्राई आउट स्टॉप। नाउ इट वॉज फर्दर जो है ये टाइम में, क्रिसमस का टाइम में, जैसे उन्होंने भी उसको विश करा था लेटर में, एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, क्योंकि क्रिसमस का डे है, अभी आप लोगों को भी पता है 25th जो है दिसंबर आने वाला है, तो क्रिसमस का डे था, ग्राउंड में स्नो थी, क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लास। अब वहां पे जो है क्रिसमस बेल्स छोटी छोटी होती है ना बच्चों, आप लोग भी खरीदते होंगे, एंड ए स्मॉल ट्री एक्स में जो क्रिसमस ट्री होता है डेकोरेटेड द क्लास ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियां पड़ने वाली थी, लास्ट डे था स्कूल का, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। अब जो मिस मैसन जो क्लास टीचर थी उनकी, उन्होंने क्या करा, एक लेटर जो उस मॉर्निंग में शी रिसीव्ड वो जो है उन्हें दिखाया, यू रिमेम्बर वांडा पेट्रॉन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। अब जो टीचर थी उन्होंने उनको लेटर दिखाया जो उन्हें मॉर्निंग में शी रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, तो उसमें लिखा था यू रिमेम्बर वांडा की, उन्होंने कहा उनसे कि तुम्हें याद है कि वांडा पेट्रॉन्स्की जिसने की क्या बनाए थे, इतना अच्छा आर्टिस्ट थी वो, Who won the drawing contest? जिसने जो है क्या जीता था, drawing contest जीता था। Well, she has written me, उन्होंने जो है मुझे letter लिखा है, and I am glad to know where she lives। और मुझे जो है बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ रहती है, because now I can send her medal। कि अब मैं उस address पे जो है क्या करूंगी, medal जो उसने जीता है won in the contest, उसको जो है मैं क्या करूंगी, सेंड करूंगी। किसने बोला ये बच्चों, क्लास टीचर ने, आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। अब उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अब लेटर जो है आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, एंड व्हाट वाज द लेटर, लेट्स सी। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट। अब सारे बच्चों को जो है, क्योंकि काफी टाइम से वो मिस कर रहे थे किसको, वांडा पेट्रॉन्स्की को जो है मिस कर रहे थे, तो सारे बच्चे जो है इंटरेस्ट से जो है ध्यान से जो है इंटेंटली लिसन इंटेंटली, सारी जो है बच्चे चुपचाप बैठ गए वहां पे। डियर मिस मैसन, अब क्लास टीचर को उसने लेटर लिखा, हाउ आर यू एंड रूम 13, कि आप कैसे हैं और रूम के 13 में जो बच्चे हैं कैसे हैं, प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। अब बच्चे ध्यान से देखना कि व्हाट यहाँ पे जो है उन्होंने क्या लिखा है, द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस Because in my new house have 100 new ones all lined up in my closet। अब उन्होंने कहा कि उन लड़कियों से कहना, right? कि वो जो 100 dresses हैं वो अपने पास रखना, क्योंकि क्या reason है, because in my new house कि मेरे नए घर में I have 100 new ones कि मेरे पास और 100 है मेरे नए घर में, और सारे जो है लाइंड अप है इन माई क्लोजेट, मेरी अलमीरा में जो है सारे लाइन से लगी हुई है। आई वुड लाइक दैट गर्ल, और मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ कि जो पैगी है, अब दो ही गर्ल थी जो उसको चढ़ाती थी, पैगी एंड मैरी, दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा जो पैगी है टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग। अब उसने कहा जो पैगी गर्ल है वो क्या करेगी, जो ग्रीन ड्रेस है और जिसमें जो है रेड ट्रिमिंग है उसको जो है वो पैगी रख लेगी अपने पास, मैं चाहती हूँ, एंड हर फ्रेंड, और जो उसकी फ्रेंड है उसका नाम क्या है बच्चों, मैडी, और मैडी जो है जो ब्लू ड्रेस है मेरी वो उसको कौन रखेगा अपने पास, मैडी, और कौन चाहता है, वांडा। तो वांडा ने अपने लेटर में लिखा, अपनी टीचर से पूछा कि सारी जो है ड्रेसेस वो अपने पास रख ले, क्योंकि मेरे पास क्या है, आई हैव
100 न्यू वंस, मेरे पास और हैं इतने, और जो पैगी है वो जो है ग्रीन ड्रेस रख ले अपने पास, राइट, और मैडी जो है ब्लू वन। अब देखो इसमें भी एक सस्पेंस है जो आगे क्लियर होगा। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, अब उसने कहा कि क्रिसमस में जो हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ स्कूल को एंड माई न्यू टीचर, और मैं आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज, और मैं जो हूँ एक किसी टीचर के किसी टीचर से जो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो उसने कहा कि एंड न्यू टीचर डज नॉट जो है डज नॉट इक्वलाइज विद यू, राइट, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और सबको जो है उसने विश करा, और कि क्या विश करा, क्रिसमस की जो है सबको बधाई दी, और उसने कहा कि फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, कि मैं जो हूँ उसको क्या कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ, राइट। यूर्स ट्रूली वांडा पेट्रोंस्की, तो उन्होंने जो दो मेन ड्रेसेस थी वो उनको दी, क्यों दी, व्हाट इज द रीजन, क्या दिया था, ये आगे जो है जब हम पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्रॉइंग्स वेरी केयरफुली, अब मैडी और पैगी ने क्या करा, जो ड्रॉइंग्स थी उसको मतलब केयरफुली जो है ले गए। ऑल द हाउसेस हैड रेड्स, जो है पूरे घर जो थे, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो सारे घरों में क्या थी, रेड मीन्स मालाएं लगी हुई थी, एंड होली इन द विंडोज आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, और एक ग्रोसरी की जो स्टोर था, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, मतलब बहुत सारे जो है क्रिसमस के ट्रीज जो है पाइल अप थे, ढेर लगा हुआ था, एंड इन द विंडो, मतलब सारे बहुत सारे जो है पाइल्ड अप थे, एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स कॉर्नोपियास, और जो है फूल वो थे, ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रांग, द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और हवा में सुगंध जो है, क्योंकि एक जो है माहौल हो जाता है ना, जैसे दीपावली आती है, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो जो है पूरा वातावरण जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सिमिलरली क्रिसमस का डे था, तो एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जब बर्फ पड़ी रहती है और उसमें जो रोशनी पड़ती है, तो वो जो सिनेरियो रहता है वो इट इज टोटली डिफरेंट। तो बोलते हैं बॉय सेड पेगी दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, और ये जो है वो कह रही कि देखो सचमुच जो है वो हमें चाहती थी, शोज शी गॉट हर आर लेटर एंड थी, और उसे पता चला कि ये दिखाता है कि उसने हमें लेटर, हमारा लेटर उसे मिला था, एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट एंड दैट्स दैट, कि सब कुछ जो है उसके कहने का ढंग था कि सब कुछ जो है ठीक है और यह ऐसा ही है। आई होप सो सेड मैडी सैडली, शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, अब उसने कहा कि अब क्योंकि एक होता है ना कि अब सबको पता चल गया था कि उस वो जो है दोबारा उसको नहीं मिलेगी, तो एक जो है आई सैडली मतलब उदास सी होके वो बोलती है शी फेल्ट सैड, क्योंकि सबको पता था, शी न्यू, उसे भी पता था कि जो पॉलिश गर्ल है फिर नहीं मिलेगी, एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और अब जो है हम अपने बीच में जो है कुछ भी जो है जैसे वो सॉरी कहना चाहती थी तो वो जो है राइट नहीं कर पाएंगे, राइट, तो इसका जो है वो थोड़ा सा रिग्रेट कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी। शी वेंट होम एंड शी पिंड हर, अब वो घर गई अपने, यहाँ पे ये भी देखते रहे कि कौन से टेंसेज यूज हो रहे, पास्ट इनडेफिनेट टेंस है यहाँ पे भी, सिमिलरली शी पिंड हर ड्रॉइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस, एक जो है थोड़ा सा फटा सी जगह थी वहां पे, इन द पिंक फ्लावर वॉल पेपर इन द बेडरूम में उसने वो जो है ड्रॉइंग को लगा दिया। द शैबी रूम, अब जो उसका थोड़ा सा डर्टी रूम था, केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और जो उसकी ड्रॉइंग की जो कलर्स थी उससे थोड़ा सा चमक आ गई उसके रूम में। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्रॉइंग, अब जो है वो बैठ गई और वो ड्रॉइंग को जो है केयरफुली देख रही थी, कौन, मैडी, शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, tears blurred her eyes, अब आंखों से जो है आंसू निकलने लगे, एंड शी गेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, गेज मैंने कॉन्टिन्यूसली जो है वो पिक्चर को देख रही थी, एंड हेजली शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, मतलब ध्यान से जब उसने उसको अपने आंखें पोंछ के देखा, द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड,
बहुत सुंदर कलर थे, दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्रॉइंग बट इट लुक्ड लाइक हर। जब उसने ध्यान से उस पिक्चर को देखा बच्चों, तो उसे क्या दिखा कि वो जो फेस है वो किसका है, मैडी का है। जब मैडी ने उसको ध्यान से देखा कॉन्टिन्यूसली, तो इट वॉज किसका हेड था, मैडीज हेड। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, उसे लगा ये तो मेरा ही पूरा माउथ है, मेरा ही फेस है। वाई रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। अब उन्हें पता चल गया, जैसे मैंने अभी बताया था कि लेटर में उसने पर्टिकुलर बोला था कि ये जो है ड्रेस किसको दे देना, मैडी को देना, और जो ग्रीन वाली ड्रेस थी वो पर्टिकुलर किसको देना, मैग पैगी को। तो ये सीक्रेट था कि क्यों देना था, क्योंकि उसने जो फेस बनाया हुआ था वो एग्जैक्ट किसका था, मैडी का था। तो वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, और स्पेशली जो ये वाली पिक्चर थी वो किसके लिए ड्रॉ करी थी उन्होंने, उसने वांडा ने मैडी के लिए। एक्साइटेडली शी रेन, और वो जो है कहां गई, पैगी के पास गई। पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, की जरा अपनी पिक्चर जो है दिखाना। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी। अब अचानक जो कभी जैसे अचानक वो शी रैन ओवर टू पैगी, तो उसने कहा कि व्हाट्स द मैटर, एज दे क्लटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडास ड्रॉइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। अभी जो है उसकी पिक्चर जो है उसने हैंग नहीं करी थी, ऐसी जो है उल्टी पड़ी हुई थी, लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, लुक शी ड्रू यू। अब जो है मैडी किसको बोलती है, पैगी को बोलती है कि ये जो है तुम्हारे लिए ड्रू करी है, यहाँ पे भी पास्ट डेफिनिट टेंस है। दैट्स यू शी क्लेम्ड, कि ये तुम हो। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक यू, कि देखो इसका फेस और हेड जो है बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हारे तरह है, तुम्हारे फेस की तरह है, राइट। तो जो पैगी की जो ड्रेस थी और मैडी की जो ड्रेस थी वो एग्जैक्टली किसकी तरह थी, दोनों को जो है उनके फेस जो है रिजेंबल एग्जैक्टली जो है दोनों का फेस बनाया था। इससे शो होता था कि वो स्पेशली जो है एक जो है पिक्चर, एक जो है ड्रेस किसके लिए बनाई थी, उसने पैगी के लिए बनाई थी और अनदर फॉर मैडी। और जब वो उसको बताती है कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है ड्रॉ कर रही है, और पैगी को बताती है मैडी को कि प्लीज इसको देखो कि बिल्कुल इट लुक्स लाइक यू। अब इससे नेक्स्ट जो है फ्यू लाइंस आर लेफ्ट, तो लेट्स कंप्लीट इट। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कि हाँ भाई ये तो जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट। और मैडी जो मैडी थी वो उसको जो है बहुत ज्यादा जो है क्या कर रही थी, वो रो रही थी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम अवे एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। अब मतलब वो सोच रही है कि स्कूल यार्ड में है सॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और बहुत सारी लड़कियां जो है उसका मजाक बना रही है। After she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. तो यहाँ पे जो है किस तरह से बच्चों हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है घर में डिस्कस करना, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है कल इसको पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चन आते हैं इसके, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। और हमने देखा है कि किस तरह से जो है 100 ड्रेसेस में से दो जो है ड्रेसेस स्पेशली पैगी और मैडी के लिए बनाई थी उन्होंने, और उनका जो फेस था वो किससे रिजेंबल करता था, टोटली जो है एग्जैक्टली सेम था पैगी और मैडी का। तो ये जो लेटर में उसने स्पेशली जो ये गिफ्ट करे थे उनको या दिए थे उन्होंने लेटर में मिस मैसन को बोला था, तो यहाँ पे 100 ड्रेसेस जो है वो भी उसके जो जस्टिफाई कर रहा है हमारा टॉपिक। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कल जो है हम क्योंकि हमने टेंसेस कर लिए हैं, हमने डायरेक्ट इन डायरेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कल पूछ सकते हैं। कल हम जो है मॉडल्स या नॉन फाइनाइट दोनों में से एक टॉपिक जो है कल हम शुरू करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, आप रेज कर सकते हैं, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो कल भी आप पूछ सकते हैं, घर में आप रिवाइज करें
और क्वेश्चन आंसर्स में भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.